हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी नेट एजुकेशन प्रेपरेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूनिट के रिगार्डिंग आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग आज हम लोग जो पहली थ्योरी पढ़ेंगे, दैट थ्योरी इज़ फ्रॉम सिगमंड फ्राइड थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द रिलेटिवली एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफ्रेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन। पर्सनैलिटी एक इस तरह की टर्म है, इस तरह की करेक्टरिस्टिक है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स को, पर्टिकुलर पर्सन की फीचर्स को दूसरे पर्सन की फीचर से अलग करती है। हम लोग कैसे कहते हैं, इफ़ इन अ क्लास देयर आर 45 स्टूडेंट्स, तो 45 स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। देखिए 45 स्टूडेंट्स के जितने भी स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, सबकी दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, फिर किस लिए एक बंदा हमें इतना अच्छा लगने लग जाता है और एक बंदा हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक्चुअल में पर्सन कभी भी बुरा या अच्छा नहीं होता है। साइकोलॉजी ये कहती है कि पर्सन का व्यवहार अच्छा या बुरा होता है, क्लियर। वो जो पर्सन की पर्सनैलिटी होती है वो उसको अच्छा या बुरा या फिर अट्रैक्टिव या फिर नॉन अट्रैक्टिव एक्सेट्रा जो है वो बनाती है। एंड दैट लेड पीपल टू एक्ट इन अ कंसिस्टेंट एंड प्रडिक्टेबल बिहेवियर और मैनर बोथ इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। पर्सनैलिटी ही, यानी कि उसका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब चीज़ें एक कंसिस्टेंट बन जाती है। यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में उसकी पर्सनैलिटी देख कर जब आप उसके साथ थोड़े दिन रहते हो, थोड़ा टाइम रहते हो, तो ऑफकोर्स आप उसके बारे में उसकी चाल ढाल कैसी है, उसका पहनावा कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी ट्रेट्स, उसकी नीड्स, ये सब चीज़ें कैसी हैं, आप ये क्या है, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर पर्सन की कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के एक एटीट्यूड बन जाता है। वो एक एक तरह का वो एटीट्यूड कवर मतलब लाइक कैरी ऑन करना स्टार्ट कर देता है। हमें ये पता है कि ये सिचुएशन हुई तो ये बंदा जो है वो ज़्यादा चिंता करने लग जाएगा, अगर ये सिचुएशन हुई तो ये बंदा डिप्रेसिव हो जाएगा, अगर ये सिचुएशन हुई तो इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि हम एक प्रडिक्शन भी करना यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, कर देता है सामने वाला बंदा, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो भी हमारे सामने पर्सन आता है, अपने बिहेव, अपनी एटीट्यूड, अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, भाई उसका ये एटीट्यूड है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें हम लोग बहुत आसानी से, कोई भी बंदा ये आसानी से प्रडिक्शन बना लेता है कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन हुई तो वो सामने वाले बंदा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इस प्रकार का बिहेवियर करेगा। कंसिस्टेंट यानी कि ऑलमोस्ट अगर उसको गुस्सा आता है किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, लाइक अगर सामने वाला पर्सन झूठ बोलता है, झूठ बोलने पे एक पर्टिकुलर पर्सन को गुस्सा आता है, तो उसे हर सिचुएशन में वो गुस्सा आएगा, चाहे वो झूठ घर में कोई बोले या फिर बाहर बोले, क्लियर, क्योंकि उस बंदे ने इस तरह की पर्सनैलिटी को कैरी ऑन कर लिया है। अब मेजर पर्सपेक्टिव्स की बात करें कि पर्सनैलिटी में कौन कौन से हम लोग मेजर पर्सपेक्टिव्स लेते हैं, तो सबसे पहला आता है इसमें साइको एनालिटिकल। साइको एनालिटिकल में हम लोग बात करते हैं अनकॉन्शियस मोटिवेशन की। अनकॉन्शियस यानी कि जो आपके अवचेतन मन के अंदर छुपे हुए, कई कई बार व्यक्ति, इंसान, कोई भी एक पर्सन जो होता है अपनी लाइफ में बहुत हार जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं अब इस स्थिति में क्या करूं, उस वक्त उसका कोई भी साथ नहीं देता है, लेकिन इंटरनली उसको अंदर से अपने आप से एक मोटिवेशन मिलती है, एक सोई हुई कोई, इंटरनली उसे लगता है भाई मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं यहाँ पर जो है वो गिव अप नहीं करूँगा। ये होती है अनकॉन्शियस मोटिवेशन जो कि उसके अवचेतन मन में होती है। देन आता है ट्रेट। ट्रेट का बेसिकली मतलब होता है कि एक पर्सनैलिटी की जो स्पेसिफिक डायमेंशन कैसी है, यानी कि वो एक जनरल जो एक विशेषता, यानी कि एक डायमेंशन उसका दायरा क्या है, क्लियर। देन आता है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक की बात करें तो इनर कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ, एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी कैपेसिटी है ग्रोथ करने की, क्लियर। देन आता है सोशल कॉग्निटिव। सोशल कॉग्निटिव जो है इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट प्रभाव डालता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर तो हम लोग कहते हैं सोशल कॉग्निटिव। तो देखिए ये चारों ही पर्सपेक्टिव है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग। अब हम लोग बेसिक अपनी बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड से। सिगमंड फ्राइड की जो मेन जो थ्योरी है दी हुई, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ये तीन अजम्पशंस पर बेस्ड है। नंबर वन, पर्सनैलिटी इज गवर्न्ड बाय अनकॉन्शियस फोर्सेस दैट
वी कांट कंट्रोल। देखिए पर्सनैलिटी जो होती है किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्तित्व होता है, इनके अनुसार में यहाँ पर हम लोग बात करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी विच इज़ गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का ये कहना है कि सबसे पहली इन्होंने जो मेन तौर मोटे तौर पर बात सारी थ्योरी में ही इस बात पर जोर दिया गया है कि जो पर्सनैलिटी होती है आपके अवचेतन मन में, जो मन दिखाई नहीं देता है, ठीक है, आपके अवचेतन मन में छुपी हुई इस प्रकार की फोर्सेस होती हैं जिनको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। कभी कभी जैसे मान लीजिए, अभी हम पूरा क्लियर करेंगे किस प्रकार से होता है कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड। इस प्रकार की भावनाएँ जो कहीं ना कहीं आपके आप उसको फुलफिलमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ इस प्रकार की इच्छाएं जिनको आप फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन तो आपने क्या किया, वो धीरे 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 आपके अवचेतन मन में चली जाती है। इंसान थोड़ी देर के लिए अपनी भावनाओं को सप्रेस तो कर देता है, लेकिन वो भावनाएं आज नहीं तो कल ज़रूर उठती हैं, क्लियर। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ बॉन्ड बाय अनकॉन्शियस फोर्सेस, एंड तो इस प्रकार की अनकॉन्शियस फोर्सेज होती है जिन्हें हम कभी भी कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। देन इन्होंने कहा है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनिंग एडल्ट पर्सनैलिटी। इनके अनुसार जिस प्रकार से व्यक्ति का बचपन होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो एडल्ट होकर के जब वो बड़ा होगा, जब वो एडल्ट पीरियड में आएगा, तो वो किस प्रकार से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बनेगी, क्लियर। देन थर्ड इन्होंने ये कहा कि पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय द मैनर इन विच चिल्ड्रन कोप अप विद सेक्सुअल अर्जेस। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी बड़े होकर के जब वो एडल्ट हो जाता है या फिर उसके बाहर बाद जब वो एक प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचते उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है कि जब वो बचपन में उसकी सेक्सुअल अर्जिस कैसी थी, उसकी डिमांड सेक्सुअल कैसी थी। हालांकि इंडिया में ये बातें इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब बात सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी की हो रही है तो हमें हर वो बात पढ़नी पड़ेगी जो कि इनके द्वारा, जो कि इनकी थ्योरी में दी गई है, क्लियर। देन आता है फ्रॉयड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इनकी थ्योरी की, इनकी पर्सनैलिटी जो जो जब भी हम लोग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी फ्राइड के द्वारा दी गई की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन मेन बातें हमारे सामने आती है। फर्स्ट वन इज़ अनकॉन्शियस, सेकंड इज़ प्री कॉन्शियस, एंड थर्ड इज़ कॉन्शियस। अगर हम लोग अनकॉन्शियस माइंड की बात करें, देखिए तो अनकॉन्शियस जो पार्ट होता है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके माइंड का। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका माइंड है, क्लियर, ये आपका माइंड है, और ये जो माइंड है ना ये है इसका ये यहाँ से लेकर के ये वाला आपका अनकॉन्शियस माइंड। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि ये वाला हिस्सा 100% जो है वो समुद्र में ढका हुआ होता है, ओशन में, ओशन के अंदर वो छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो माइंड है ये हमें कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन व्यक्ति को सबसे ज़्यादा उत्तेजित मतलब व्यक्ति की लाइफ में इस माइंड का, इस अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा रोल जो है वो होता है। देन आता है हमारे पास प्री कॉन्शियस की अगर हम लोग बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय द वाटर लाइन। देखिए ये वो वाटर लाइन थी जो कि, देखिए नीचे वाला हिस्सा जो कि अनकॉन्शियस माइंड का था वो पूरी तरह समुद्र में डूबा हुआ था, उसके ऊपर आती है ये बॉटम लाइन। बॉटम लाइन जो है वो प्री कॉन्शियस है। इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्शियस होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अनकॉन्शियस हो जाती हैं। किस तरीके से, जैसे कि हमारी बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिन्हें, जो कि हम लोग किसी, जैसे चाइल्डहुड में हम लोग पाना चाहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए भी किसी भी लड़के को, कोई भी लड़की जो थी वो पसंद आने लग गई, लेकिन अब उसने ये देखा भी मेरा समाज इस चीज़ की मुझे इजाज़त नहीं देगा कि मैं कल को इसके साथ इसको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चूज़ कर सकूँ। तो अब उसने क्या किया, उसको भूलने की कोशिश की, उसको धीरे 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 उसको अपने प्री कॉन्शियस माइंड में डाल दिया। यानी कि अब वो चीज़ उसके दिमाग में है भी और नहीं भी है, क्योंकि अब वो लाइफ में आगे बढ़ चुका है, लेकिन जब भी वो क्लिक करेगा तो वो माइंड में उसके वो जो चीज़ है, वो जो बात है वो आ जाएगी, क्लियर। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको प्री कॉन्शियस माइंड। देन आता है कॉन्शियस। देखिए कॉन्शियस माइंड वो वाला हिस्सा होता है जो कि ये वाला हिस्सा जो कि हमें दिख रहा है। ये कॉन्शियस माइंड आपका अचेतन मन होता है जो हमेशा जागरूक रहता है। ये वो माइंड है, ये वो चीज़ है, इस माइंड में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा यू नो मतलब कि
इस माइंड ने आपको कहा भाई ये कर दे, तो आपने कर दिया। ये वो जैसे कि अभी आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारे माइंड को पता होता है, क्लियर। अब क्यों कर रहे हैं वो बाद की बातें होंगी, ठीक है। कितना इसमें से आपको आप आगे जाकर के उसको प्री कॉन्शियस माइंड में डालेंगे वो बात की बात है, लेकिन जो प्रेजेंट में, इसलिए इसको कहा जाता है स्मॉल पार्ट विच स्टिक्स आउट ऑफ वाटर इज सीन इक्विवेलेंट टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। यहाँ पर कॉन्शियस मतलब यहाँ पर आपको कॉन्शियस अवेयरनेस होती है एज पर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर ये वो वाला माइंड है जहाँ पर कि आप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेते हो, आपका माइंड आपको, जो माइंड आपको ऑर्डर करता है भाई ये हमें करना है, भूख लगी है तो भूख की तृप्ति तभी होगी जब आप खाना खाओगे। आपको अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कह लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम कर लीजिए, अगर आपको उसमें अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपको कौन बताता है, कॉन्शियस माइंड बताता है, काम करना है इसीलिए आप सफल होंगे, क्लियर। देन हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। फ्राइड ने तीन एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी दिए हैं। सबसे पहला आता है द इड, देन आता है द ईगो, देन आता है द सुपर ईगो। एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट्स द इड। इड की बात करें, द अनऑर्गेनाइज्ड इनबोर्न पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी हुज पर्पज इज टू इमीडिएट रिड्यूस रिटेंशन रिलेटिंग टू हंगर सेक्स एग्रेसिवनेस। ये इस पर इड का मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, बस आया दिमाग में कि देखिए हमें भूख लगी तो अब उसकी तृप्ति तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, खाना आपको खाना ही पड़ेगा। गुस्सा आया है तो वो आप अग्रेसिवनेस आई है तो वो आप किसी ना किसी पे उतारोगे ही, क्लियर। इट यूजेस द मोस्ट प्रिमिटिव थिंकिंग प्रोसेस। मोस्टली हम लोग अपने इड के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, भाई ये काम करना है तो करना ही पड़ेगा, जब तक मैं उस काम को नहीं करूँगा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्लियर। बेसिकली ये जो इसमें आती हैं आपकी बेसिक बायोलॉजिकल अर्जीज आती हैं, जैसे कि हंगर हो गया या फिर सेल्फ प्रोटेक्शन हो गया। आपके पीछे डॉग बढ़ गया है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, अदरवाइज डॉग क्या करेगा, बाइट कर लेगा, क्लियर। देन आता है आपके पास सीक प्लेजर, यानी कि इस ईद का मतलब क्या है, भाई आपको खुशी चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, आप पेन नहीं ले सकते किसी भी प्रकार की, क्लियर। ईद वो है भाई, इसने बोल दिया ये करना है मुझे करना है। इट ऑपरेट्स कम्प्लीटली एट एन अनकॉन्शियस लेवल। ये अनकॉन्शियस लेवल पर, कम्प्लीटली अनकॉन्शियस लेवल पर काम करता है, ठीक है। नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग दो प्रकार के मेजर इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है इरोस, देन आता है थैनेटॉस। अगर हम लोग इरोस की बात करें तो इसको हम लोग लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये इस प्रकार की टेंडेंसी होती हैं जो मोटिवेट करती हैं लोगों को कि वो उनको खुशी प्राप्त हो, क्लियर। लेकिन थैनेटॉस की बात करें तो ये डेथ इंस्टिंक्ट होते हैं, ये आपको डिस्ट्रॉय की तरफ ले जाते हैं। यानी कि आपको सामने कोई एक बंदा है, उसने गलती उसकी छोटी सी थी लेकिन आपका स्वभाव है गुस्सा करना, आप गुस्सा करते करते इतना अग्रेसिव हो गए कि वो जो बात थी वो पुलिस तक पहुंच गई। तो ये दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी क्या है, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी ये है भी आपको गुस्सा आता है, वो अच्छा अच्छी बात पे आता है, बुरी बात पे आता है, दैट इज समथिंग एल्स, आता है। और जब भी कोई भी आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में गुस्सा आता है तो आप वहाँ पर वो उस गुस्से को कर, आपने अपना जो गुस्सा है वो निकाल दिया, अब उसका अंजाम कोई भी हो हमने वो जो काम था वो कर लिया। लेकिन इसीलिए तो थैनेटॉस जो है ये एक डेथ इंस्टिंक्ट है, ये आपको डिस्ट्रॉय की तरफ लेके जाता है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सा इंस्टिंक्ट जो है वो यहाँ पर ईद में से चूज़ करना है। क्योंकि ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात बताती हूँ, कुछ लोग मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग चाहें भी तो अपनी पर्सनैलिटी में को जो चेंज करना होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो बहुत टफ होता है। क्योंकि कुछ एक रूट्स ऐसी होती हैं हमारी हमारी लाइफ की जो कि पक चुकी होती
होती हैं। लाइक अगर किसी का स्वभाव है कि वो किसी भी सिचुएशन में बहुत स्टफ होके खड़ा रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता, चाहे सुख आए या चाहे दुख आए, वो हमेशा स्टेबल रहता है, तो उसका स्वभाव है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी बिफर जाते हैं, तो वो उनका स्वभाव है। इस प्रकार से जो उनकी उन्होंने अपनी जड़ों को पका लिया होता है कि वो आदि बन जाते हैं, वो उसी प्रकार से उन्होंने उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बन जाती है। क्लियर? तो हमें देखना है, हमें चूज़ करना है कि हमने किस प्रकार से अपनी लाइफ की सिचुएशंस को टैकल करना है। द एनर्जी फॉर द इड्स इंस्टिक्ट्स कम्स फ्रॉम लिबिडो। इन्होंने ये कहा है कि ये जितनी भी एनर्जी ईड में आती हैं, ये आती है आपके लिबिडो से। लिबिडो यानी कि एनर्जी स्टोर हाउस, देन आता है द ईगो। अगर हम लोग ईगो की बात करें, कंसिस्ट्स ऑफ ए कॉन्शियस फैकल्टी फॉर प्रिसीविंग एंड डीलिंग इंटेलिजेंटली विद रियलिटी। ईगो एक ईगो का कंसर्न होता है रियलिटी के साथ। ये आपको बताता है, अब आपको गुस्सा आया, ठीक है, गुस्सा आना था आपके ईद में, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है भाई मुझे तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गुस्सा आएगा ही आएगा, इस बंदे ने झूठ बोला तो क्यों बोला, ठीक है। अब यहां पर ईगो जो है वो आपको यहां पर ये समझाएगा, भाई देख ले ये मंत्री का लड़का है, या फिर ये खुद पर्टिकुलर बंदा ऐसा है, हमें यहां पर क्या लेना देना, अब अपनी 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 भलाई देखो और इस सिचुएशन से साइड पे हो जाओ। यानी कि ये इंटेलिजेंटली और रियलिटी के साथ आपको अवगत करवाता है ईगो। ईगो जो होता है वो एक मेडिएटर की तरह काम करता है आपकी सुपर ईगो और ईगो के बीच में। ये पार्शियली कॉन्शियस होता है, ठीक है, डील्स विद डिमांड ऑफ रियलिटी, रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। रैशनल डिसीजन, आपको क्या कौन सा डिसीजन लेना पड़े लेना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, भाई मुझे किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है। ये कंट्रोल करता है आपकी मेंटल प्रोसेसेस को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। भाई अब ये सिचुएशन हो गई है, उस सामने वाले पर्सन ने गलती कर दी है, आप उसको सजा देना चाहते हो, लेकिन आप उसको सजा इस प्रकार से दें भाई आपके ऊपर कल को कोई भी एक्शन जो है वो नहीं आए। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो ईगो होता है वो आपके मेडिएटर की तरह वो एक काम करता है। सुपर ईगो ये मॉरल पार्ट होता है पर्सनैलिटी का। अगर हम लोग सुपर ईगो की बात करें, यानी कि अब मेरे को ये पता चल गया भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे यहाँ पर गुस्सा नहीं करना, अगर मैं यहाँ पर गुस्सा करूँगा या फिर करूँगी तो मैं किसी भी लफड़े में पड़ सकते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम इस सिचुएशन से साइड पे हो जाएंगे। ये है सुपर ईगो जो मुझे कह रहा है भाई यहाँ पर मॉरलिटी क्या है, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। क्लियर? ये भी दो पार्ट्स कंसिस्ट करता है। नंबर वन इज कॉन्शियस। कॉन्शियस जो होता है वो बैड बिहेवियर यानी कि नोशंस टू राइट और रॉन्ग, यानी कि आप अच्छा चुनेंगे या बुरा चुनेंगे। उसके बाद आता है, सेकंड आता है ईगो आइडल, हाउ वी आइडियली लाइक टू, यानी कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। हमारे सुपर ईगो जो है वो जानता है कि ये जो बंदा इस सिचुएशन में यहाँ पर जो बिहेव कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो गलत कर रहा है। क्लियर? तो अब मैंने यहाँ वहाँ पर रुक कर थोड़ी देर के लिए जब ठंडे दिमाग से सोचा भाई मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गलत बिहेव करने जा रही हूँ, तो ये है मेरा ईगो आइडियल, ठीक है, अब मुझे किस प्रकार से बिहेव करना है, मुझे यहाँ पर गुस्सा नहीं कर रहा है, मुझे उसको कंट्रोल में रखना है। क्लियर? तो इसीलिए सुपर ईगो जो है यहाँ इसके दो पार्ट जो है वो बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ईद यानी कि आई वॉन्ट इट नाउ, मैं इसे करता हूँ, मैं इसे करूँगा। ईगो क्या कहता है, भाई प्लानिंग कर ले, अच्छे बुरे के हिसाब से करना। सुपर ईगो कहता है कि नहीं, मैं ये इसको नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए गलत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की। एक बहुत बड़ा पार्ट है सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी का। अ डिफेंस मैकेनिज्म इज अ टैक्टिक डिवेलप्ड बाय द ईगो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंग्जाइटी। लाइफ में जब भी हम लोग एंग्जाइटी से बचने के लिए एक शीट, एक सेफ गार्ड जब अपने आगे रख लेते हैं अपने विचारों के आगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर थॉट टू सेफ गार्ड, एक सेफ गार्ड की तरह होता है द माइंड अगेंस्ट फीलिंग्स एंड थॉट्स दैट वी आर टू डिफिकल्ट फॉर द कॉन्शियस माइंड टू कोप अप विद। यानी कि हमारा अचेतन मन तो हमें कहता है भाई ये भी कर दे, वो भी कर दे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग लाइफ में करना चाहते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं जो कि हम लाइफ में फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन वो सही नहीं होते हैं, हमें उनको छोड़ना पड़ता है और छोड़ना भी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है। कौन काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमें ये बताता है भाई आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये निर्णय लेने चाहिए, ठीक है,
जैसे कि सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर बंदे को बहुत गुस्सा आया किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके साथ किसी ने मिसबिहेव किया। अब यहाँ पर उसने गुस्से से गुस्सा नहीं करना है, अब उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपना गुस्सा जो है अपने आप को बनाने में लगा देना चाहिए और कुछ बन के दिखाना चाहिए कि मैं वो, मतलब उसके एक्शंस जो है वो जवाब दे उसको, ना कि उसकी जबान उसका जो है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को जवाब दे। अपने एक्शंस को मोड़ लेना, अपनी एनर्जी को कहीं किसी चीज़ के चीज़ से मोड़ लेना, ये भी एक प्रकार का सेल्फ मैकेनिज्म ही है। क्लियर? चलिए आगे आगे स्टूडेंट्स, इसी डिफेंस मैकेनिज्म के काफ़ी सारे जो हम लोग एलिमेंट्स करेंगे, सबसे पहला आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन कर देना, द रिमूवल ऑफ थ्रेटनिंग थॉट्स फ्रॉम अवेयरनेस। ऐसे थॉट्स जो कि आपको डराते हैं, आपने उनको रिमूव कर दिया अपनी अवेयरनेस में से। देन आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है आरोपित कर देना। प्रोजेक्शन मीन्स आरोपण। द एट्रीब्यूशन ऑफ अनअसेप्टेबल इम्पल्सिस टू अदर्स। एट्रीब्यूशन होता है आरोपित करना, इम्पल्सिस होता है उत्तेजित हो जाना, आग में घी डालना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये कह सकते हो, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जिस प्रकार के हो, नॉर्मली मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो जिस प्रकार का होता है उसे सामने वाला भी वैसे ही नज़र आता है। एक चलाक व्यक्ति को पूरी दुनिया चलाक नज़र आती है, एक भले व्यक्ति को पूरी दुनिया ही भली नज़र आती है। क्लियर? देन आता है डेनियल। डेनियल क्या कहता है, द रिफ्यूज़ल ऑफ रिकोगनाइज अ थ्रेटनिंग सिचुएशन और थॉट। यानी कि डेनियल जो है एक इस प्रकार की, मतलब कि डेनियल का मतलब क्या होता है, इनकार करना। लाइक अगर हम लोग में, अगर कोई भी एक पर्सन है वो बूढ़ा हो गया है लेकिन वो सोचता है कि नहीं मैं तो अभी जवान हूँ, आप यहाँ पर इस चीज़ के लिए क्लेम कर रहे हो जो कि सही है, लेकिन आप ये क्लेम कर रहे हो कि वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, आप सिचुएशन से बच रहे हो, आपने उस सिचुएशन को ही गलत कह दिया, चाहे वो सिचुएशन 100% जो है वो ट्रू है। देन आता है रैशनलाइजेशन। अगर हम लोग रैशनलाइजेशन की बात करें, गिविंग अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर एन इवेंट। यानी कि आप गलत हो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो भी मैं तो सही था। अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो नकल करते हुए पकड़ा गया, उसने ये कहा भी मैंने नकल इसलिए की क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ था, मेरा पास होना बहुत ज़रूरी था, तो मेरे को पास होने के लिए यहाँ पर इस एग्ज़ाम में नकल करनी पड़ी। क्लियर? हालांकि ये गलत है लेकिन ये हमारा पार्ट है लेक्चर का, तो हमें करना पड़ेगा। देन आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली द रिटर्न टू अ लेस मेच्योर एंग्जाइटी रिड्यूसिंग बिहेवियर। देखिए अगर हम लोग रिग्रेशन की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस में हैं, तो जब आप किसी भी स्ट्रेस में होते हैं तो आपका कभी कभी किसी अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तो आप वहाँ पर उस सिचुएशन बड़ा चाइल्डिश सा बिहेव करते हैं। लाइक अगर कोई भी बंदा, मोस्टली मैंने भी ये देखा है कि अगर कोई भी पर्सन जो है किसी घबराहट में है तो फटाफट से नाखून चबाने स्टार्ट कर देता है, कोई भी बच्चा अगर घबरा गया है तो वो अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है। लाइक कि एक लेस मच्योर बिहेवियर आप प्रोड्यूस करते हो जब भी आप लोग एंग्जाइटी या फिर किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में होते हो। देन आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। एक्सप्रेशन ऑफ द ऑपोजिट ऑफ डिस्टर्बिंग आइडियाज। यानी कि जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई भी एक आइडिया आपको डिस्टर्ब करता है, अब आप क्या करते हो, उस आइडिया को दबाने के लिए या फिर उस आइडिया को अपने माइंड से निकालने के लिए एग्जैक्ट उसकी ऑपोजिट जो है वो बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट फॉर द इम्पल्सिंग। अब अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर गुस्सा है तो हम उसके ऊपर गुस्सा करने की बजाय जो अपना ध्यान है पूरी तरह से अपने टारगेट की तरफ जो है वो मोड़ दें, ताकि हमारा जो गुस्सा है वो एक अच्छे काम में लग जाए। देन आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन द चैनलिंग ऑफ इम्पल्स टू सोशली एक्सेप्टेबल आउटलेट्स। यानी कि इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पर ये एग्जांपल ले सकते हैं कि रियलिटी में दूसरों से लड़ने की बजाय आप वीडियो गेम खेल लीजिए इस प्रकार की जिसमें कि फाइटिंग हो रही है। क्लियर? यानी कि आप इस प्रकार के कामों को छोड़ करके इस प्रकार का बिहेवियर चूज़ कर लें, भाई काम आप वही कर रहे हो लेकिन वो जो काम है वो रियलिटी में नहीं हो रहा है, वो ऑफलाइन नहीं हो रहा है, वो ऑनलाइन हो रहा है।
क्लियर। देन आता है आपका साइको सेक्सुअल डिवेलपमेंट। ही फ्रॉइड बिलीव्ड सेक्सुअल प्लेजर ड्राइव ऑन द इंडिविजुअल साइकी। ह्यूमन बीइंग्स पोजेसिस द इंस्टिंक्चुअल सॉरी ह्यूमन बीइंग्स पॉजिज द इंस्टिंक्चुअल लिबिडो सेक्सुअल स्टोर हाउस एनर्जी। देखिए अगर हम लोग इनकी साइको सेक्सुअल डिवेलपमेंट की स्टेजेस की बात करें तो इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। इन्होंने ये कहा है कि इन 5 स्टेजेस से गुजरता हुआ किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो मतलब जो सेक्सुअल प्लेजर ड्राइव्स होती हैं वो फुलफ़िल होती हैं। अब वो ये चीज़ एक पर्टिकुलर पर्सन में कहाँ से कब से स्टार्ट होती है इसके बारे में इन्होंने जोर दिया है। सबसे पहले आता है ओरल, देन आता है एनाल, देन आता है फेलिक, देन आता है लेटेंट, एंड देन आता है जेनिटल। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो ये होती है पर्टिकुलर किसी भी ह्यूमन बीइंग में 0 से लेके 18 महीने तक। एरोजीनियस जोन जो है इसका वो है माउथ, यानी कि माउथ के थ्रू ये जो इस ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट है वो होती है। यानी कि जब कोई भी यहाँ इस स्टेज में बच्चे का काम क्या है, सक करना किसी भी चीज़ को, वो सक करना स्टार्ट कर देता है। ओरल फिक्सेशन हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर 2 प्रकार की आउटकम्स होती हैं। नंबर 1 आता है ओरल रिसेप्टिव पर्सनैलिटी एंड नंबर 2 इज ओरल एग्रेसिव पर्सनैलिटी। अगर हम लोग ओरल रिसेप्टिव पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये रिड्यूस करता है आपकी रिटेंशन को थ्रू ओरल एक्टिविटी। यानी कि आप यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का काम क्या है, केवल खाना पीना सोना, बाइट करना नेल्स को, ठीक है, मुंह में अंगूठा रखना, किसी भी चीज़ को चूसना, अगर वो ये सब काम करता है तो उसको एक टेंशन रिलीफ वो रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। एंड पासिव एंड नीडी सेंसिटिव टू रिजेक्शन। यहाँ पर वो अगर आप उसको किसी भी चीज़ के लिए मना करते हो तो वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो रोता है चिल्लाता है। अगर एक छोटे से बच्चे को भूख लगी है, अगर उसको दूध नहीं मिलता है, ऑफकोर्स वो रोएगा चिल्लाएगा। अगर हम लोग ओरल अग्रेसिव की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टाइल एंड वर्बली अब्यूजिव टू अदर्स, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चा जो है यहाँ पर वो पूरी तरह से देखिए दूसरों पे डिपेंड होता है छोटा सा बच्चा, तो वो यहाँ पर अगर उसकी किसी भी प्रकार की फुलफिलमेंट नहीं होती है, यानी कि सोने की खाने की पीने की अच्छे से उसको पूरी फीड नहीं मिलती है, तो यहाँ पर उसको कोई भी दोष नहीं दिया जाता है, बल्कि उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको दोष दिया जाता है। नंबर 2 आता है एनाल स्टेज। एनाल स्टेज होती है वो 1.5 साल से लेकर के 3 साल के, यानी कि 18 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे की होती है। यहाँ पर एरोजीनियस जोन जो होता है वो एनस होता है। यहाँ पर 2 पॉसिबल आउटकम्स होती है। नंबर 1 इज़ एनाल रिटेंटिव पर्सनैलिटी एंड सेकंड 1 इज़ अनाल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी। अगर हम लोग एनाल रिटेंटिव पर्सनैलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो स्टिंगी होता है, यानी कंजूस होता है, वो कंपल्सिव होता है, यानी कि अनियंत्रित इच्छा के अधीन होता है। अगर उसने ये सोचा भी मुझे ये करना है तो वो करके रहता है। इस पर्टिकुलर कोई भी चीज़ उसके सामने आई, उसको उठाया और तोड़ दिया, उसका कोई भी नियंत्रण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो स्टबबोर्न होता है, ज़िद्दी होते हैं इस एज पर 100% बच्चे, यहाँ पर बिल्कुल ज़िद्दी होती है। वो बहुत कम होता है कि कोई भी बच्चा इस स्टेज में आकर के बात को मानता हो। देन वो परफेक्शनिस्टिक क्यों कहा जाता है इस एज में, देखिए यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अगर उसको प्यार से समझाया जाए तो वो पूरी बात एज़ इट इज़, जैसे हम उसको कहते हैं, वो एज़ इट इज़ ही उस काम को वो करता है, और यही वो चीज़ की डिमांड है वो दूसरों से भी इस स्टेज में करता है। देन नंबर 2 आता है इसी के रिगार्डिंग इसका सेकेंड पॉसिबल आउटकम अनाल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी। कई बार जो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो उनमें सेल्फ कंट्रोल की कमी हो जाती है, वो यानी गंदे से रहते हैं, वो केयरलेस से रहते हैं। देन आता है आपका नंबर 3 फेलिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये 3 से 6 साल के बच्चों में होती है। यहाँ पर जो उत्तेजक क्षेत्र होता है वो होता है जेनिटल्स, ठीक है। सेल्फ स्टिमुलेशन ऑफ द जेनिटल्स प्रोड्यूसेस प्लेजर, उसको खुशी मिलती है भाई जब वो सेल्फ अपने आप से वो स्टिमुलेशन उसको मिलती है इस पार्ट में। एट एज 5 to 6 ईयर्स नियर एंड ऑफ द स्टेज, जब इस स्टेज का एंड होता है तो चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस द ऑडिपल कन्फ्लिक्ट, ये बॉयज़ में होता है, एंड
इलेक्ट्रा कन्फ्लिक्ट ये गर्ल्स में होता है। एक इस प्रकार की ये प्रोसेस है थ्रू विच दे लर्न टू आइडेंटिफाई विद द सेम जेंडर पेरेंट्स। जब वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं भाई ये मेरे मम्मी हैं ये मेरे पापा हैं और दोनों में डिफरेंस कहाँ और किस तरह से है, बाय एक्टिंग एज मच एज लाइक देअर पेरेंट एज पॉसिबल। यानी कि यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। लाइक उन्हें ये पता होता है कि मम्मा इस तरह से बिहेव करती है और पापा जो है वो इस तरह से बिहेव जो है वो करते हैं। यहां पर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आता है बॉयज में और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है गर्ल्स में। बेसिकली ये चीज क्या है, चाइल्ड इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू द अदर सेक्स पेरेंट। यानी कि जो जो बेटा होता है वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है इस स्टेज में, और जो बेटी होती है वो यहाँ पर इस स्टेज में बेसिकली अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है ऑपोजिट सेक्स की तरफ। देन नंबर 3 आता है फेलिक स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट। इट बिगिन टू डिस्कवर डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। यहाँ पर वो डिस्कवर करना स्टार्ट कर देता है भी मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर दो प्रकार के कम्प्लेक्सेज आते हैं। सबसे पहले आता है ऑडिपस कम्प्लेक्स जो कि लिटिल बॉयज़ में होता है, छोटे लड़कों में होता है, और सेकेंड आता है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो कि छोटी लड़कियों में होता है। हालांकि छोटी लड़कियों में ये वाला जो कम्प्लेक्स है बहुत रेयर पाया जाता है, लेकिन बॉयज़ में ये मोस्टली बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और उसके बाद आता है उसकी वजह से एक एंग्जाइटी पैदा होती है, दैट एंग्जाइटी इज नोन एज कास्ट्रेशन एंग्जाइटी। हालांकि देखिए ये बाहर की थ्योरी है, तो बाहर की थ्योरी में बाहर के अगर फॉरेन वगैरह में अपन की बात करें तो वहां पर ये चीजें में भी होती होंगी या हुई है, तभी तो ये सब थ्योरी का एक पार्ट बना है। अगर हम लोग ऑडिपस कम्प्लेक्स की बात करें तो ऑडिपस कम्प्लेक्स जो है वो ऑडिपस नाम के जो कि जर्मन का था, एक सॉरी ग्रीक मिथ है ये ऑडिपस, तो उसके हिसाब से ये कहते हैं कि एक यंग लड़का था जिसने कि अपने फादर का मर्डर कर दिया था और अपनी मदर से ही शादी कर ली थी। तो ये सब चीज़ें हालांकि हमारे इंडियन लेकिन फिर भी एक ये हमारी थ्योरी का पार्ट है, तो हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑडिपस कम्प्लेक्स जो है वो इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने फादर को अपने राइवल की तरह लेना शुरू कर देता है। अपने उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं अपने फादर के पास बैठूंगा तो वो मुझे वहाँ से भगाते हैं, तू हट ले साइड से, या जैसे करके भी। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि एक लड़के को यहाँ पर इस स्टेज में ऐसा लगता है कि उसके और उसकी मदर के बीच में दीवार है, कौन है उसका फादर। देन आता है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो होता है वो छोटी लड़कियों में होता है, हालांकि ये बहुत ही माइनर होता है, तो वो इस हद तक नहीं सोचती हैं जैसा कि इन्होंने बॉयज़ का डिक्टेट कर दिया है फ्राइड ने अपनी थ्योरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसको आप लोग इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में आप ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं वो भी कुछ गर्ल्स वो भी एक बॉयज़ की तरह ही जो है वो बिहेव जो है वो करना उनके अंदर होता है कि हम भी उन्हीं की तरह ही बने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आती है आपके पास द लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड की बात करें तो वो 6 to puberty होता है, 6 साल 6 साल से लेकर के पबर्टी ईयर तक होता है। यहाँ पर जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं। ठीक है, और लिबिडो जो होता है, लिबिडो इंटरेस्ट आर सप्रेस्ड, उसको दबा दिया जाता है। जो भी अगर उसका कुछ भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है तो उसको यहाँ पर दमन कर दिया जाता है। बिगिन्स व्हेन चिल्ड्रन एंटर इनटू स्कूल। जब भी बच्चा जो है वो स्कूल में एंटर करता है तब इनके अनुसार तो भाई 6 साल का बच्चा ही जो है वो स्कूल में एंटर करते ही उसके अंदर इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं वो आ जाती है। सेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड इनटू अदर आइडियाज़। लेकिन इसकी जो इस एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया जाता है दूसरी तरफ, उसको लगा दिया जाता है इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स की तरफ या फिर सोशल इंटरेक्शंस की तरफ, उसको समाज में मोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी एनर्जी का जो यूज़ है वो अच्छे चीज़ों में अच्छे कामों में जो है वो लगा सके। इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इस स्टेज पर ही एक ये एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ पर वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बनता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। ठीक है, तो एक डिवेलपमेंट पीरियड इसको इन्होंने माना है। किसने माना है, सिगमंड फ्रायड ने। देन आती है आपके पास लास्ट द जेंट्यूल स्टेज, ये पबर्टी टू डेथ होती है। द इंडिविजुअल डिवेलप्स ए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स। ऑफकोर्स यहाँ पर इस स्टेज में उसका ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो जाता है। इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर ग्रोज ड्यूरिंग दिस स्टेज। उसके अलावा वो यहाँ पर समाज की भलाई के लिए भी काफ़ी काम जो है वो करता है। इन द अदर स्टेजेस हैव बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, द इंडिविजुअल शुड नाउ टू बी वेल बैलेंस्ड वार्म एंड केयरिंग। इस स्टेज में पर जो व्यक्ति होता है वो अच्छे से और भी वेल बैलेंस्ड हो जाता है, वो वार्म हो जाता है, वो केयरिंग हो जाता है दूसरों के प्रति।
कुछ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे मैंने इसकी थ्योरी में से निकाले हैं. सबसे पहला द थ्योरी इज़ फोकस्ड ऑन द मेल डेवलपमेंट विद लिटल लिटल मेंशन ऑफ फीमेल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. इन्होंने जो अपनी थ्योरी को बेस बनाया है वो बेसिकली यहाँ पर मेल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, फीमेल के बारे में कम बात की गई है. थ्योरीज आर डिफिकल्ट टू टेस्ट साइंटिफिकली लिबिडो, यानी कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो. इसके बारे में हम लोग कोई भी टेस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं. फ्यूचर प्रडिक्शन कहते हैं कि जो फ्यूचर प्रडिक्शन, फ्यूचर की प्रडिक्शन, आज आप किसी भी पर्टिकुलर छोटे से बच्चे का, अगर आप क्या होता है 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, पबर्टी पीरियड तक वो क्या होता है, आप केवल उसका प्रेजेंट चाइल्डहुड देख करके उसके फ्यूचर की प्रडिक्शन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो फ्यूचर होगा वो उसके प्रेजेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा. बेस्ड ऑन केस स्टडीज़ नॉट एम्पिरिकल रिसर्च. देखिए ये टॉपिक बड़ा है लेकिन मैंने हर वो पॉइंट उठाया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. किसी भी पॉइंट से आपसे पूछ लिया जा सकता है एंटी नेट एग्जामिनेशन में. आई होप इट्स क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट.